सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर फिर से चर्चाओं में हैं। वजह वही पुरानी है, बड़बोले राजभर का बड़बोला बयान। राजभर ने इस बार अपने बड़बोलेपन में चार कदम आगे बढ़ते हुए खुद को यूपी की सियासत की धुरी ही बता डाला है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई बीजेपी नेताओं के साथ की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसके बाद से यह चर्चा होने लगी थी कि राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया और बीजेपी नेताओं के साथ वायरल होने वाली तस्वीरों को लेकर पूछा गया कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो ओपी राजभर ने इसके जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओपी राजभर पूरे चुनाव की धुरी बना हुआ था, मेरे प्रभाव के कारण ही इस तरह की चीजें हो रही हैं। राजभर ने इशारों में कई अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि लोग इधर उधर लगे हुए हैं और अवसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एकदम टाइट खड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम बहुत कम वोटों से हारे हैं वहां पर काम शुरू कर दिया है, उस जगह काम करने की वजह से हम लोकसभा में एक अच्छी ताकत के रूप में उभर कर आएंगे। वहीं अखिलेश यादव और आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी कोई चुनाव तो है नहीं, मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन को ठीक कर रहे हैं। 24 में आप देखिएगा, 2022 का ही रिजल्ट देख लीजिए, हम लोग मात्र 5 लाख वोटों से सरकार बनाने से चूक गए। वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच हुई तनातनी पर उन्होंने कहा कि परिवार का मामला है, अब ठीक हो गया है। वहीं राजभर से जब पूछा गया कि आप चुनाव के बाद से मुख्तार अंसारी पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके बेटे को चुनाव जितवा दिया है, मऊ विधानसभा में उन्हें चुनाव जितवाने के बाद आपको इससे बड़ा सबूत क्या देंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।